स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी को लेकर लगातार लापरवाही बरती जा रही है। अस्पताल परिसर में और शमशान घाटों पर पड़ी हुई दिखाई दे रही पीपीई किट। आपको बता दें कि पूरा देश इस समय कोरोना संक्रमण के दंश को झेल रहा है। मथुरा में भी लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है, उसके बावजूद भी मथुरा का स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन कोरोना को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रहा। मथुरा के जिला अस्पताल और शमशान घाटों पर प्रयोग की हुई पीपी किट पड़ी हुई दिखाई दे रही है, जिससे कि कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कि लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है। वहीं कोरोना को लेकर नोडल अधिकारी डॉक्टर भूदेव सिंह ने जब इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों का अंतिम संस्कार प्रशासन की मौजूदगी में किया जाता है, जिसमें सभी के द्वारा पीपी किट पहनी जाती है। वहीं कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना सूचना दिए भी अपने परिजनों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, और उस स्थिति में वो लोग जो कोरोना से संक्रमित नहीं है वो भी पीपी किट पहन लेते हैं और इन्हें अंतिम संस्कार के बाद वहीं फेंक देते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए अंतिम संस्कार घाट पर मौजूदा कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और सख्त हिदायत दी गई है कि इस तरह का कोई भी व्यवहार न करे और कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिला अस्पताल में पीपी किट और ग्लव्स पड़े होने के बाद पर नोडल अधिकारी ने कहा कि सीएमएस को निर्देशित किया गया है कि इस तरह की लापरवाही कहीं भी ना बरती जाए और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाए। जिला अस्पताल के लिए हमारे जो सीएमएस हैं डॉक्टर मुकुल मंथन, उनको जो है नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहाँ जो भी समस्या होती है उसके हम लोग स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि केसेज जो है लगातार अधिक संख्या में मिल रहे हैं और ऐसे अधिक ज़्यादा मिल रहे हैं जिनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। कभी कभी क्या होता है कि अगर जहाँ मरीज को हमें शिफ्ट करना होता है वहाँ टाइम लग जाता है तो मरीजों की संख्या जिला अस्पताल में एक अधिक बढ़ जाती है। दो दिन से रात्रि में मरीज अधिक आ रहे हैं तो इसकी वजह से थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और जो भी समस्या आ रही है उसको डिनोट करके उसी हिसाब से हम बेड की कैपेसिटी जिला अस्पताल में भी बढ़ा ले रहे हैं। जरूरी नहीं है जिला अस्पताल में सारे कोविड वाले मरीज आ रहे हैं, कुछ ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, वो कोविड नहीं है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो आइसोलेशन वार्ड के मरीजों को सामना उसका करना पड़ रहा है, ऑक्सीजन उन्हें टाइमली नहीं मिल पा रहा है, और कुछ मरीज ऐसे हैं जो अपना निजी पैसे से ऑक्सीजन खरीद के वहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। देखिए कुछ मरीज ऐसा है जो कि जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, कुछ लोगों ने आजकल कर रखा है कि घर पर सिलेंडर से की व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि गलत है। अगर उनको आवश्यकता है तो वो अस्पताल आए, अगर हम उनको उपलब्ध कराएंगे। होता क्या है कि मरीज घर पर सिलेंडर से ऑक्सीजन लगाता रहता है, लेकिन जब उसकी सडन गिरती है तब वो मैं सिलेंडर पर अस्पताल आते हैं। डॉक्टर, केडी मेडिकल कॉलेज में लगातार आरोप लग रहा है कि लोगों से 5-6 लाख रुपए ले रहे हैं और उसके बावजूद दम निकल जाती है, उनकी जान निकल जाती है, उसके साथ साथ उनकी बॉडी से पार्ट चोरी होने के लिए कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं परिजनों द्वारा, जैसा कि कल SDM साहब के यहाँ भी लोगों ने कुछ कहा है, क्या कहेंगे? देखिए इसके लिए एक जिलाधिकारी महोदय द्वारा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक जाँच कमेटी गठित कर दी है, जिसको भी जॉइंट इन्वेस्टिगेट कर रही है और साथ में हमारे कमिश्नर CM और दोनों लोगों को जाँच दी हुई है, और उसमें जो शिकायतकर्ता उसके बयान भी लिए जा रहे हैं और जो भी उसका निष्कर्ष निकलेगा उससे।